यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार गोपचरपाड़ा में मुस्लिम दफन विधि में लगने वाले सामान की दुकान की हुई शुरुआत। हर एक समाज में किसी इंसान की मौत होने के बाद उसकी अंतिम विधि का अपना ही महत्व होता है। साथ ही अंतिम विधि हेतु कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। विरार अंतर्गत मुस्लिम समाज को अंतिम क्रिया दफन विधि में लगने वाली सामग्री नहीं मिल पाने के चलते जिनके घर में मैयत हुई हो उस परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दफन विधि में लगने वाले सामान हेतु नाला सोपारा वसई तो कभी मुंबई तक भटकना पड़ता है। इसी बात का ख्याल कर विरार में एक हजरत ने विरार के गोपचरपाड़ा नाके पर अल हयात आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना नाम की नई दुकान की शुरुआत की है, जहां मुस्लिम समाज को मैयत की दफन विधि में लगने वाली हर सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही इस्लामिक इस्तेमाल के सामान जैसे कुरान पाक, महिलाओं एवं बच्चों के इस्लामिक बुरके आदि सामान भी बेचे जाएंगे। हमारे सहयोगी मित्र पत्रकार तारिक शेख ने इस दुकान मालिक एवं कुछ लोगों से बात की, जो देखिए आप आगे वीडियो में। विरार से तारिक शेख की एक खास रिपोर्ट। आज हम बात करते हैं कि गोपचरपाड़े नाका पर जो भी एक दुकान को लेकर ओपनिंग की गई है, अल हयात एक आयुर्वेदिक का शॉप खुला है, जो कि एक ऐसा मानना था लोगों का, गोपचरपाड़े वालों का ऐसा मानना था कि विरार में कफन को लेकर जो कि किसी के घर में मैयत हो जाती थी, बहुत सारी तकलीफें उठाना पड़ती थी। कफन के साथ साथ जो कि हमारे कब्रिस्तान में जो उसकी लकड़ी जो कि इसे उर्दू भाषा में बरकर कहा जाएगा, वो यहाँ पर सबको मिलता है। हम बात करते हैं हजरत, आपका नाम? सैयद मोहम्मद तहसीन। तहसीन साहब, आपने जो दुकान जो खोली है तो इस दुकान के क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि अपने को जो बॉम्बे में सामान मिलता था वो सामान बॉम्बे ना जा करके यहीं दस्तियाब हैं। और ख़ास करके मैंने इसलिए किया कि विरार के लोग मैयत का पूरा सामान लेने के लिए कहीं नाला सुपारा हुआ सही कहाँ कहाँ लोग जाया करते थे, परेशान हुआ करते थे। गरीब आदमी भी परेशान हो जाया करता था, पैसा भी खर्च होता था, काम भी जल्दी नहीं होता था। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को मैंने किया है कि मैयत का पूरा सामान बरके के साथ मिलेगा, और गरीब आदमी के लिए भी है, अमीर आदमी के लिए भी है। जिसके पास पैसे हो दे के जाए, नहीं है ले के जाए, फ्री है अपने पास में, कोई उसका मुआवजा नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, खुशी है उसकी देखकर जाए, मगर गार्जियन के साथ आएगा तब उसको फ्री मिलेगा, वरना सभी लोगों को फ्री नहीं दिया जाएगा। जो घर का गार्जियन है उसके पास कुछ नहीं है, परेशान हाल है, तो वो आएगा तो उसके लिए फ्री है, और बाकी दूसरे लोग आएंगे वसीला लेकर के, तो फिर घर वाले को भी साथ में लेकर आना रहेगा। इसलिए मैंने एक कदम उठाया कि अपने विरार के अंदर यूनानी दवा खाना भी नहीं है, तो अपने पास में हमदर्द की भी दवा है, किरण गांधी की भी दवा है, शमा वाले का भी दवा है, रेक्स कंपनी की दवा है, और अतरियात जो भी है, तर वगैरह है, ये भी अपने पास में हर तरह खुशबू मिलेगा। यानी जो भी है टूजेट कुरान शरीफ रहल पारा पेटी, इस्लामी लेडीज़ के लिए तमाम चीज़ें हैं जो नमाज रोज़ा कर सकती हैं, ये सब चीज़ अपने पास में मुहैया है, और बिल्कुल मुनासिब भाव दिया जाएगा। ये भी नहीं कि लूटम लाट वो सब कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल मुनासिब भाव दिया जाएगा। आपका नाम? जी मोहम्मद असलम। असलम भाई, आज ये दुकान जो खुली है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दुकान हमको जरूरत थी, दुकान के लिए कफन वगैरह यहाँ पे नहीं मिल रहा था, उस हिसाब से इन्होंने हजरत ने दुकान खोली है, और देसी दवाइयाँ भी मिलेगी यहाँ पे, और इसका वगैरह हर चीज़ मिलेगी, अंतर वगैरह जो भी है जरूरत चीज़ है, मुनासिब दामों में मिलेगी सब चीज़, अभी जरूरत पड़े तो फ़ोन करें तो मिल जाएगी। आपका नाम? रहमान सईद। रहमान भाई, आज ये दुकान जो खुली है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ दुकान नाके पे विरार में जो कफन के लिए बहुत किल्लत थी, और हमने हजरत को लेकर के ये बोला कि यहाँ पर दुकान किया जाए, और विरार में बहुत किल्लत थी, सब चंदा वगैरह करके करके उनको कफन दफन का व्यवस्था कराया जाए, जो नहीं यहाँ विरार के अंदर नहीं मिलता था, नाला सुपारा जाके बहुत किल्लत होती थी, वो भी पूरा सामान नहीं मिलता था, इसलिए हजरत को लेकर के विरार में हमने ये किया। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।